चलिए फिर हम आते हैं रिजोल्यूशन एंड रिजोल्वेबल कंपाउंड, मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, पहले तो ये समझ लीजिए कि मैं समझा क्या रहा हूँ। इस जगह मान लीजिए आपके पास डी एंड एल का कॉन्बिनेशन है, एल सही है, ये तो है रेसिमिक मिक्सचर। मुझे इस रेसिमिक मिक्सचर में डी और एल को अलग करना है। इस अलग करने के प्रोसेस को तो बोलेंगे रिजोल्यूशंस, लेकिन करने के लिए एक कंपाउंड यूज किया जाएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या तो वो डी होगा या फिर एल होगा। अगर आपने डी यूज कर लिया तो पता है वो डी के साथ क्या बना लेगा, डी डी, और एल के साथ क्या बना लेगा, वो डी एल। फिर इनको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट कर लिया, और सेपरेट करके बिल्कुल अलग हो गया, डी डी अलग कंटेनर में हो गया और एल एल अलग कंटेनर में हो गया, डी एल पक्का। फिर इसको दो तरह से, या तो डिस्टिलेशंस या फिर सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। तो डिस्टिलेशन या सॉल्युबिलिटी फैक्टर से अलग करके इसको वापस डी पूरा हो गया और ये क्या हो जाएगा, एल हो गया सेपरेट। तो आप अभी तक तो आपके पास एक ही कंटेनर में है, सेपरेट करा। सेपरेट करने के लिए आपको एक मिनट, यहां डिस्टिलेशंस करना पड़ेगा, डिस्टिलेशंस या फिर सॉल्युबिलिटी, दोनों की अलग अलग होगी। तो जब अलग हो गया फिर उसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे और इसमें से डी वाला पार्ट अलग कर देंगे, सेपरेट हीटिंग करके या कोई भी फैक्टर से। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया आपके लिए रिजोल्यूशंस। समझ में आई मेरी बात? सबसे पहले आपके पास रेसेमिक मिक्सचर था, इसके अंदर एक आपने रिजॉल्वेबल कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को मिलाया जिससे आपके पास दो तरह के मिक्सचर मिल गए उसी कंटेनर में। उसको डिस्टिलेशन या सॉल्युबिलिटी फैक्टर से सेपरेट कर लिया, फिर उसे हीटिंग करा या कुछ भी करके डी वाले पार्ट को वापस अलग करा और सेपरेट कर दिया। तो होल प्रोसेस को तो आप क्या बोलोगे, यहां से यहां तक जाने को तो आप क्या बोलोगे, रिजोल्यूशंस। और इस कंपाउंड को जो आप यूज कर रहे हो ऑप्टिकल एक्टिव है, वो क्या हो जाएगा, रिजोल्वेबल कंपाउंड। तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, तो इसको लिख, डायग्राम को बनाएं फिर डेफिनेशंस लिखें मेरे साथ। तो डायग्राम मैंने सामने लिखा है उसके अंदर डेफिनेशंस लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ रिजोल्यूशंस। फास्ट लिखिए डेफिनेशन ऑफ रिजोल्यूशंस, सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर, सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर इज नॉन एज रिजोल्यूशन, सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर इज नॉन एज रिजोल्यूशन, एंड द कंपाउंड अंडरगोइंग, एंड द कंपाउंड अंडरगोइंग सेपरेशन, एंड द कंपाउंड अंडरगोइंग सेपरेशन इज नॉन एज रिजोल्वेबल कंपाउंड। एंड द कंपाउंड अंडरगोइंग सेपरेशन इज नॉन एज रिजॉल्वेबल कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर रिजॉल्वेबल, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आर रिजॉल्वेबल, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आर नॉन रिजॉल्वेबल।
ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आर नॉन रिजॉल्वेबल। तो जो डायग्राम आपने बनाया है, पहले ये रेसेमिक मिक्सचर था, मैंने इसमें रिजॉल्वेबल कंपाउंड मिलाया, डी मिलाऊं या एल मिलाऊं, दोनों बस ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। यहाँ आपको क्या मिलेगा रेसेमिक मिक्सचर से, अब क्या ये रेसेमिक है? नहीं। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे के एनाइशोमर्स है? नहीं। डाइस्टियोमर्स है? हाँ। तो यहाँ डाई स्टीरियोमर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और उसकी जगह मैंने डाई वो लिख लिया रिजॉल्वेबल कंपाउंड, तो क्वेश्चन मीनिंग सेम ही है। जो ऑप्टिकल एक्टिव है वो रिजॉल्वेबल, और जो नहीं है वो नहीं है। समझ में आ गई बात? तो क्या हम इस पर एक प्रॉब्लम बना सकते हैं? हाँ, एक क्या बहुत सारी बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर रिजॉल्वेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर रिजॉल्वेबल कंपाउंड। तो आपको कुछ नहीं देखना है, अपनी पहली लाइन ही ये देखनी है, ब्रैकेट के अंदर आंसर यही रहेगा, चेक ओनली दैट गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट। आ गई बात समझ में? तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ही रिजॉल्वेबल कंपाउंड है। तो कुछ एक ऑप्शंस आपके साथ हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या बन रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर रिजॉल्वेबल, कंपाउंड ऑब्लिक कंपाउंड्स, फर्स्ट सी एल बी आर आयोडीन हाइड्रोजन, सेकेंड थर्ड फोर्थ। समझ में आ रहा है आपको? फाइव। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप बस इनको पकड़ते चलिए। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर रिजॉल्वेबल, क्या पहला वाला रिजॉल्वेबल कंपाउंड है? यस, क्यों? क्योंकि ये कायरल है। सेकंड, क्यों? क्योंकि ये भी कायरल है, फ्लिपिंग इफेक्ट नहीं होता इसमें। क्या ये? यस। क्यूमुलिन मैंने आपको बताया था कायरल कार्बन नहीं होते भी ये रिजॉल्वेबल, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये रिजॉल्वेबल होगा। समझ में आ रहा है? फोर्थ नहीं, पीओएस है। फिफ्थ भी नहीं है ड्यू टू फ्लिपिंग। डी ऊपर आ गया, वो तो फ्लिपिंग कर रहे हैं सारे, हे कायरल है। यस और नो? तो यहाँ आपको कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है, लिख लें आप।